आपके लिए माइनस पॉइंट है, आप अभी किस चीज को बोल देंगे कि मैं अब लोन नहीं पटाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी अभी दो इंस्टॉलमेंट ड्यू है, इन फ्यूचर में तीसरी होगी, उसके बाद में चौथी होगी, लीगल लगेगा, ये सारा जस्टिफिकेशन आपको आगे देना होगा लीगल में, जो बता रहे हैं ना आप मेरे को, ये सारा जस्टिफिकेशन आपको आगे देना होगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए सर, मैं तो बोल रही हूँ आपको, ये आपका लोन है, आप इसको सॉर्ट आउट करिए, नहीं होगा तो मामला आगे जाएगा, आपका केस राइट अप होगा, एनपीए होगा, सिविल आपका खराब होगा, लाइफ टाइम के लिए आपको कोई लोन नहीं मिलेगा। हेलो, हेलो, आकाश सिंह जी बोल रहे हैं सर? हाँ बोल रहा हूँ। आकाश जी नमस्ते, आईडीएफसी बैंक भी आपसे बात कर रही थी। बताइए सर, आपकी 5,234 रुपए वाली ईएमआई दो इंस्टॉलमेंट ड्यू थी सर? नहीं, इसको पेमेंट कब तक करवाएंगे सर आप? तो पेमेंट तो भी नहीं हो पाएगा, बताया था इसके पहले भी। तो लास्ट मंथ भी तो नहीं हो पाया, अप्रैल में भी नहीं हो पाएगा सर आपका? नहीं अभी नहीं हो पाएगा मैम। क्यों नहीं हो पाएगा सर? वो मैडम को बताया था और अभी घर में भी आए थे, भाई बता रहा था। नहीं नहीं, क्या प्रॉब्लम है वो मेरे को बता दीजिए ना एक बार, क्यों नहीं हो पाएगा? अब आईडीएफसी से बोल रहे हैं, मतलब ये रिकवरी वाले बोल रहे हैं कि बैंक वाले बोल रहे हैं? बैंक के भी आपसे ही बात कर रही थी मैं। नहीं, बैंक के भी आपसे रिकवरी वाले अलग हो जाते हैं, बैंक वाले अलग हो जाते हैं। मैं बैंक के भी आपसे ही बात कर रही हूँ सर, क्यों नहीं हो पाएगा आपका पेमेंट वो बता दीजिए। आप पहले बताइए ना, बोल कौन रहे, रिकवरी वाले बोल रहे हैं कि बैंक वाले बोल रहे हैं? रिकवरी वाले नहीं, नहीं, नहीं बोल रही सर, बैंक के भी आपसे बात कर रही थी मैं, बैंक ने मुझे रखा है आप लोगों को कॉल करने के लिए, रिकवरी से नहीं बात कर रही हूँ। जो भी है, मेरे को तो लग रहा है रिकवरी वाले हैं, जो भी है तो फिर भी मैं बता देता हूँ क्या है। आईडीएफसी से अपन ग्रो ऐप से लोन लिए थे मैम। हाँ, आईडीएफसी से भी लिए थे, उससे कुछ ईएमआई, चार ईएमआई साथ पे हो चुकी होगी, कुछ बची हुई है, ठीक अच्छा, है हाँ। तो हमने क्या किया था, ग्रो से शेयर को भी प्लेज करके कुछ लोन लिया था। अच्छा, तो वो सीधा ग्रो वाले चला गया और ग्रो से आईडीएफसी वाले टाइप है ना। अच्छा अच्छा हाँ। तो इन्होंने क्या किया, हमारा जो शेयर अभी क्या नीचे चला गया था, हमने 900 पे बाई किया था, तो 400-500 के आसपास चला गया था शेयर, ठीक है। अच्छा, तो हम उनका मतलब बैलेंस था, मान लीजिए लोन 40,000 रुपए के आसपास था उनका, 40-45,000 रुपए के आसपास था। हाँ जी, तो हमारा शेयर ऑलरेडी अगर लॉस में भी है तो हमारा शेयर कम से कम 1,20,000 रुपए का उनके पास पड़ा हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैम, उनको एक बार फोन कर लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए कि अगर आप अपना पेमेंट नहीं करेंगे तो हम आपका शेयर को बेच देंगे। उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, बिना इन्फॉर्म किए शेयर को बेच दिया, एकदम कम रेट में बेच दिया। अगर इन्फॉर्म करते तो बंदा कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके पैसा देता, उनको एक दिन का समय दे देते, बैंक तो काफ़ी दिन का समय देता। लेकिन हमने बोला था, उनको मेल भी किया कि हमको एक दिन का समय देते, आप हमसे पूछ लेते। अच्छा। हमको एक घंटे का भी समय देते तो हम कहीं ना कहीं से पैसा, हम उस पैसे को अरेंजमेंट कर देते। अब शेयर बेचने के बाद एक घंटे के बाद मैम वो एक शेयर में 20 रुपये बढ़ गया, बताइए। फिर अभी वो अभी 2 महीने के अंदर वो शेयर अभी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हम अभी वही पैसा किसी से 10% या 15% में लिए रहते तो हमारा कम लॉस होता। देखिए, वो तो आपका आपसी प्रॉब्लम है सर, आप लोगों का जो है कॉम्प्रो हुआ था। आपसी प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझ रही हूँ शेयर्स का है आपका प्रॉब्लम। हाँ तो लेकिन आपका तो यहाँ पे मेरे को आईडीएफसी में लोन दिखा रहा है, एक्टिव लोन दिखा रहा है। आईडीएफसी वाला ग्रो वाला ही दिलवाया है ना, ग्रो के थ्रू ही मिला है ना आपको, उसके थ्रू मिला है। हाँ तो गलती कौन किया है, ग्रो वाला ही दिलवाया है, तो गलती भी तो ग्रो वाले की है ना। इसका ना जवाब ग्रो वाला दे रहा है ना, आप बैंक वाले दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह फंसे हैं ना बैंक में सर? हाँ तो फंसे हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किए होंगे ना? तो बैंक में मैंने गया ही नहीं था, बैंक में बैंक लेने नहीं गया था ना, बैंक वाला मेरे पास आया था, मेरे को तो ग्रो वाला लोन दिया है। लोन मिला हुआ है ऑनलाइन है ना, आपको इंस्टेंट लोन मिला हुआ है ऑनलाइन है ना, तो कुछ आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट नहीं किए? डॉक्यूमेंट कुछ नहीं सबमिट किए, उसमें ऐप में लॉगिन किया, मेरे को मिल गया लोन। अच्छा, तो आपके अकाउंट डिटेल्स तो है ना बैंक में आपकी? हाँ, बैंक में तो आपके अकाउंट डिटेल्स है ना सर, बाकी आपका जो डॉक्यूमेंट्स है अगले वाले ने सबमिट किया होगा, आपके अकाउंट डिटेल्स है ना। देखिए, आप लोगों का है ना जो आपसी है ना वो सब ठीक है सर, बट क्या हो रहा है, आपके अकाउंट डिटेल्स है और आपके डॉक्यूमेंट्स भी बैंक में सबमिट है ना। आप लोगों का शेयर उन्होंने कम में बेच दिया और जो भी है वो आपका आपसी चीजें है, लेकिन अगर आपका यहाँ पे लोन एक्टिव है तो आपको वो चीज को क्लोज करना है। अगर नहीं करेंगे, लेट मी फिनिश सर, मैं फिनिश कर रही हूँ, 1 सेकंड रुक जाइए। अगर आप नहीं करेंगे, आप और वो दोनों का जो भी होता है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपका सिविल पूरा खराब हो जाएगा। अब बातों से आप काफी पढ़े लिखे लग रहे हैं सर, इन फ्यूचर में आपको लोन्स वगैरह चाहिए होगा
कभी नहीं मिलेगा, सीधा ओवरड्यू आपका दिखाएगा और आपका सीबीसी चार्जेस वगैरह भी दिखाएगा, ठीक है सर। तो ये आपके लिए माइनस पॉइंट है। वो समझ रहा हूँ मैम, मेरी पूरी बात समझ। तो ये आपके लिए माइनस पॉइंट है। आप अब इस चीज को बोल देंगे कि मैं अब लोन नहीं पटाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अभी दो इंस्टॉलमेंट ड्यू है, इन फ्यूचर में तीसरी होगी, उसके बाद में चौथी होगी, लीगल लगेगा, ये सारा जस्टिफिकेशन आपको आगे देना होगा लीगल में, जो बता रहे हैं ना आप मेरे को, ये सारा जस्टिफिकेशन आपको आगे देना होगा, है ना। तो देख लीजिए सर, मैं तो बोल रही हूँ आपको, ये आपका लोन है, आप इसको सॉर्ट आउट करिए, नहीं होगा तो मामला आगे जाएगा, आपका केस राइट अप होगा, एनपीए होगा, सिविल आपका खराब होगा, लाइफ टाइम के लिए आपको कोई लोन नहीं मिलेगा। अगर आप इसी तरीके से बोलते रहे मेरे साथ में, अगले वाले ने मेरा शेयर बेच दिया, कम में बेच दिया, मेरे को फायदा नहीं हुआ तो मैं लोन क्यों दूं, उसके जरिए मेरा लोन हुआ था, तो वो आप लोग पूरी बात समझिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है ना, ये बताए ना। तो नहीं, नहीं, आपकी थोड़ी सी बात में मैं सारी बातें समझ चुकी हूँ सर। नहीं समझे ना अभी जी, बताइए। देखिए मैं उधर से उन्होंने किया, मतलब इन्वॉल्व तो ग्रो वाला ही है ना, उसी ने लोन दिलवाया, थर्ड पार्टी है ना वो, ऐसी बात तो में वो थर्ड पार्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं लगे हैं सर। अरे नहीं लगे हैं, जो भी है ठीक है, उसकी वजह से मेरी लॉस हुई। चीजें होती तो भी थर्ड पार्टी को कॉल जाती सर, आपको नहीं आती, आपके डॉक्यूमेंट्स आपके अकाउंट डिटेल्स आईडीएफसी में लगी हुई है सर ऑलरेडी। वहाँ तक ही हो गई, ये चीज मैं आपको समझा दी, गलती उनकी है, ठीक है, उन्होंने ऐसा किया। हाँ जी बिल्कुल ओके सर, आप सुनिए, हाँ जी बोलिए ना, मेरी बात पहले सुनिए। उसके बाद क्या है कि मेरा तो उनके चक्कर में पूरा पैसा डूब गया। अगर मान लीजिए अगर वो थोड़ी सी गलती नहीं किए रहे तो आज मैं भी आपका लोन देने में सक्षम रहता, है ना, पूरी बात। अच्छा ठीक, तो उन्होंने मेरा लॉस कर दिया। अगर थोड़ा मोड़ा लॉस होता तो कुछ तो पैसा मैं भी पे कर दिया रहता। अभी जो मैं दो ईएमआई अभी जो लास्ट वाली पेंडिंग हुई हुई थी, ये हो सकता था 3 महीने बाद होती, फिलहाल अभी तो मेरा ठीक ठाक चलते रहता। और दूसरी क्या, बीच में मेरी एक्सीडेंट भी हुई थी, अभी भाई के पास आपके रिकवरी के एजेंट भी आए थे, उनको पूरा फाइल वगैरह सब दिखाया हूँ मैं, उसके ट्रीटमेंट में 1.5 से 2 लाख रुपये लग चुके हैं, उसके पास अभी जॉब भी नहीं है, मेरे पास भी जॉब नहीं है, समझ गए। नहीं नहीं तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है और किसी के पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको आपकी सारी बात में समझ गई। तो अभी आपके कहने का मतलब ये है क्या कि है, 1.5 से 2 लाख रुपए, सुनिए 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 मेरी पूरी बात सुन लीजिए ना, फिर बताइएगा। 1.5 से 2 लाख रुपए मेरा क्या है, इलाज में लग गया है, ठीक है, घर की स्थिति भी ठीक नहीं है, पूरे डॉक्यूमेंट मेरे पूरे सब कुछ पड़े हुए हैं, समझ गए। रही बात ग्रो वाले, जैसा कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मतलब उनकी वजह से मेरा लॉस हो गया, अब मैं उसकी वजह से नहीं देना चाहता। अगर ये इन केस अगर एक्सीडेंट नहीं हुए रहता तो मैं पेमेंट करने में भी सक्षम रहता, अभी जॉब भी नहीं है, मेडिसिन मैं महीने का 10 से 12 हज़ार रुपये की लग रही है, ठीक है, वैसे पूरी हड्डी टूट गई है, अभी मेरे को रिकवरी होने में कम से कम डॉक्टर बोल रहा है 6 महीना और लगेगा, अभी 4 मंथ के आसपास हो चुका है, तो अभी टाइम लगेगा। घर में भी पैसे नहीं है, घर की छोटी सी शॉप है उसमें चलता है, दवा पानी के लिए इधर उधर तो पैसा लेना पड़ रहा है उधर, तो इस कंडीशन से अपन दे नहीं पा रहे। अब इस कंडीशन में बताइए, अब करेंगे तो करेंगे क्या। नहीं ठीक है सर, वही बात है, आप एक काम कीजिए, मैं देखिए सर, मैं तो सिर्फ आप मेरी सांत्वना आपके साथ में, नहीं मैं देखिए मैम ये आपको नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब उसने मेरे साथ गलत किया तो मैं आपका इस वजह से लोन नहीं दे रहा हूँ, मेरे पास और भी है, मतलब ठीक है, अगर वो देखिए इंटेंशन आपका इंटेंशन सही है, आपकी अभी मेडिकल प्रॉब्लम है, लेकिन सर देखिए क्या है ना, ये सारी मेडिकल प्रॉब्लम आप ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है सबसे बड़ा बवंडर किस चीज में होता है, सारी बैंकिंग सेक्टर में ईसीएस का, जहाँ आपका ईसीएस सीट होता है ना सर, आपका सिविल खराब हो जाता है अगर ईसीएस बाउंस होता है, तो वो आपका बैंकर की तरफ से भी आपका बाउंसिंग होता है और आपका उसकी तरफ आपके पर्सनल बैंक की तरफ से भी और आपके देन आईडीएफसी की तरफ से भी होगा। तो मैं यही बोल रही हूँ सर, जैसे ही आप कंडीशन से होंगे, मैं तो बोल रही हूँ डायरेक्ट आप ना एनपीए मत कराइएगा अपने लोन को, और एनपीए करवाएंगे ना तो वहाँ सिविल पूरा आपका मार खाएगा सर, समझ रहे ना इस चीज को। तो जैसे ही आपका होता है ना तो आप इसको आगे पेमेंट कंटिन्यू कर लीजिएगा, है ना, बाकी देख लीजिए सर, ये ईसीएस में तो आपका प्रॉब्लम ही है सर, आपका जो ईसीएस है ना वो जैसे लगता है तो आपका सिविल खराब होता है उसमें। जैसे आप देखिए आपका अभी जैसे बिजनेस पे टॉपअप लोन आपने लोगों ने लिया था, जैसे आपने बताया है ना, तो आपको आपका जैसे आप ड्यू डेट आ गई 2 तारीख की, आपका बैंक ने क्या करा, आईडीएफसी बैंक ने 1 तारीख को ही रात में वो ईसीएस लगा दिया, रात के 12 बजे तक के वो फॉर्म वगैरह फिलअप होता है, उसके बाद 12 बजे में आपका अगर अकाउंट मेंटेन नहीं है तो वहाँ से आईडीएफसी की तरफ से भी आपका बाउंसिंग चार्जेस 470 लग जाएगा, प्लस आपके अकाउंट से भी बैंक आपका 470 रुपए या 400 रुपए या 350 रुपए काट लेगी। वो हो गया एक, आपका ऑलरेडी बाउंस हो गया, सेकंड बाउंस हो गया, थर्ड बाउंस होगा, फोर्थ में आपका एनपीए हो जाएगा केस, फोर्थ में जाने का जरूरत नहीं होगा। एनपीए, एनपीए का मतलब वो होता है 3 इंस्टॉलमेंट ड्यू, जी
लेकिन इंस्टॉलमेंट ड्यू के बाद में एनपीए हो जाता है, फोर्थ में पूरा एनपीए हो जाता है सर, उसके बाद में फिर सारी लीगल प्रोसेस वगैरह होती है। ठीक है, तो मैं ये बोल रही थी तीसरा इंस्टॉलमेंट ड्यू होने से ना पहले इसको एक आधी ईएमआई इधर उधर से कर्ज कुछ करके क्लियर करवा लीजिएगा, क्योंकि मेन ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है ना सर कि इन फ्यूचर कहीं से लोन नहीं मिलेगा, जिस तरीके से आपका बिजनेस है या जिस तरीके से आपको पर्सनल लोन भी चाहिए। मैं समझ रहा हूँ, देखिए छोटी सी गलती की वजह से ना अगर वो नहीं किए रहते तो उनका पैसा भी मिल गया रहता, ऐप वाले को मिल गया रहता, बैंक वाले को मिल गया रहता। बात को समझ रहे हो, और मैं ऐसा नहीं कि मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स भी पड़े हैं, भाई के पास अभी आए थे रिकवरी वाले, उनको पूरे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स है सर, आप अपनी तरफ से लॉयल है, बैंक इस चीज को समझती है, लेकिन सर आपका एक पेमेंट जो अपडेट है वो आपका अगर ओवरड्यू शो करेगा तो आप कितने भी लॉयल रहे सर आपका सिविल इफेक्ट करेगा ही, और ये आप इसको क्लियर नहीं कर सकते बिना पेमेंट दिए। जी समझ रहे हैं आप मेरी बात को, मैं आपकी सारी बात समझ रही हूँ सर, है ना। तो मैं यही बोल रही हूँ आप लॉयल है बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है, 110% आप अपनी जगह में सही है, लेकिन मैं एक ही चीज बोल रही हूँ सर, जो बैंक की तरफ से आपका ओवरड्यू अमाउंट है उसको आपका जस्टिफिकेशन भी क्लियर नहीं कर सकता है बिना पेमेंट दिए। अच्छा, तो आपको वो पेमेंट क्लियर करवाना ही होगा, नहीं तो इन फ्यूचर में आपका बैंकिंग से रिलेशन खत्म हो जाएगा, इन फ्यूचर आपको कहीं लोन नहीं मिल पाएगा सर। नहीं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्या है हम लोग क्या है ना इधर उधर से बहुत जगह से पैसा ले लिया, अभी ट्रीटमेंट के लिए भी दवा भी लाने के लिए पैसे नहीं थे इधर उधर से लिए, तो आपको पाँच दिन बाद दस दिन बाद हो जाएगा फिर नहीं होगा। क्या बोल रहे सर, मैं आपको डेट भी नहीं मांग रही, मैंने इतनी देर से आपसे बात करूँ, मैंने आपको बोला कि डेट दो सर के, मुझे नहीं मुझे पैसा ही चाहिए, बोल रही हूँ क्या? नहीं मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं यही बोल रही हूँ आपका लुकआउट है सर, अगर आप इस चीज को ड्यू को क्लियर नहीं करेंगे बैंकिंग रिलेशन आपका खत्म हो जाएगा। समझ रहे, मेरा काम है आपको बताना, लास्ट मंथ भी आपने बोला था कि मेरे ऊपर अभी बैंक से कुछ प्रॉब्लम्स है तो मैं आने वाले मंथ में पेमेंट करूंगा, आपने इस मंथ में भी डिनाई कर रहे कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा, आने वाले मंथ में आपका केस एनपीए जाएगा। चलो मैं तो चीजें समझ रही हूँ, लीगल वाले कुछ चीजें नहीं समझते, वो लोग पेमेंट निकाल लेते, अब वो आपका लुकआउट है सर कि आप अपना सिविल कैसे बचाते, वो आपका लुकआउट है। ठीक है, आपके ऊपर प्रॉब्लम आई, आपने किसी पे भरोसा किया, आपका पार्टनर था वो, लीगल वाले कैसे पेमेंट निकाल लेते, मतलब समझा नहीं। मेरे को नहीं पता सर, वो पेमेंट लेते, आपके ऊपर अगर जब होगा तो आप वो जान जाएंगे कि लीगल वाले कैसे पेमेंट लेते। देखिए सबसे पहले तो लीगल जाएगा आपके पास, सीनियर इंस्टॉलमेंट कर दियो है ना, लीगल जाएगा, उसके बाद में फिर आपके आपके घर में आएंगे, विजिट करेंगे और वो आ जाएंगे, खुद ही देख लेना, बात कर लेना आप, लेकिन वो लोग मानते नहीं है सर लीगल में केस जाने से। इतना अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना और आपको समझा रही हूँ ना सर कि आपका बैंकिंग प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसे उन लोग कुछ मानते नहीं है सर, उनको पेमेंट लगता है मतलब लगता है, या तो सेटलमेंट करो या तो क्लोज करो, ठीक है उनका यही रहता है, और सेटलमेंट करने से भी आपका सिविल खराब होगा। ठीक है सर, तो देख लीजिए सर, मैं आपको सिर्फ सलाह दे सकती हूँ, दो इंस्टॉलमेंट ड्यू है, मैं सीधा बोल रही हूँ आपको तीसरा इंस्टॉलमेंट ड्यू मत होने दीजिए, अभी 4 तारीख है, आने इस महीने के अंदर अंदर एक आध इंस्टॉलमेंट करवा सकते हैं तो करवाइए, देन आपकी